हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? होप सारे अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सभी कंपनियों के बारे में कि आप किसी अदर स्टेट में भी जाके अपनी आईडी ऑन कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस, काफी भाइयों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि पंजाब में आ रखा हूँ, गाइस मैं चंडीगढ़ में आ रखा हूँ, कि वहाँ पे अपनी आईडी ऑन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप अपनी आईडी कैसे ऑन कर सकते हैं और कैसे आप काम कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, करते हैं आज की वीडियो शुरू। काफी भाइयों का मेरे से क्वेश्चन था कि भाई मैं इस स्टेट में आ रखा हूँ, मैं अपनी आईडी ऑन कर सकता हूँ। हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं ना, तो एकदम से हमें काम तो मिलता नहीं है, ठीक है। और हमारे पे एक ही चारा होता है कि अगर मेरी यहाँ पे स्विगी की आईडी या जोमेटो की आईडी या डुंजो की आईडी चल जाए तो आसान हो जाएगा और मेरे को कोई दूसरा काम ढूंढने में थोड़ा सा होता है ना। जिसने हमें बुलाया है अदर स्टेट में, या फिर हम अपना घर चेंज करके जा रहे हैं, तो एकदम से हमें काम नहीं मिलता, तो और ना ही हमें बुलाने वाला हमें काम दिलवा पाता है। वो भी कहता है कि आपको अभी 10 या 15 दिन या महीना भी लग सकता है। तो हम सोचते हैं कि हमारी अगर जोमेटो की आईडी चल जाए या स्विगी की आईडी चल जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। तो ऐसे जो एक काम है जोन चेंज करना और आपकी स्टेट चेंज करनी, ये आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन से भी हो जाता है, पर उसमें क्या है, उसमें ना थोड़ा टाइम लगता है। वो वेरीफाई करते हैं, ठीक है, आपने पहले करवाया, किस टाइम पर करवाया, क्योंकि अगर हम एक बार करवा लेते हैं ना तो वो 3 महीने के बाद चेंज होता है। मेरे को एक लड़का मिला था कि भाई यार मेरे को जोन चेंज कराना है, ठीक है, अपनी शिफ्ट चेंज करानी है, तो कैसे होगी, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि तूने पहले करवाई है? कि हाँ मैंने करवाई है। तो मैंने कहा फिर तू एक बार अपना फॉर्म भर ले। तो उसने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद उसमें कॉल आने के बाद जब उसने कस्टमर केयर से पूछा कि सर मेरा जोन चेंज नहीं हो रहा, तो कस्टमर केयर ने बोला कि आपने पहले करवाया था तो आपको अभी 6 मंथ लग जाएंगे आपका जोन चेंज होने में, ये आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप एक बार करवा लेते हैं ना तो दिक्कत पड़ जाती है, कंपनी करती नहीं है आसानी से, कि इनका तो हर रोज का काम है, कभी अपनी शिफ्ट चेंज करा लेते हैं, कभी अपना जोन चेंज करा लेते हैं, ये कंपनी भी फिर देख के ही करती है। इसलिए मैं कहता हूँ जब आपको जरूरत पड़ती है ना तब आप अपने जोन या शिफ्ट चेंज कराएं, इससे पहले मत करवाएं। जो चल रही है ना उसी पे ही काम करते हैं, या तो फिर जब आप आईडी बनवाते हैं ना उसी टाइम पे सोच समझ के अपनी आईडी बनवाओ, या फिर किसी एक दो बंदों से आप बात करो जो काफी टाइम से स्विगी या जोमेटो में किसी भी कंपनी में कर रहे हैं, उनसे पहले बात करके फिर अपनी आईडी बनवाओ। नहीं तो अपनी आईडी ऐसे मत बनवाओ, क्योंकि उसमें हर बंदे को नुकसान होता है। बिना सोचे समझे कोई भी काम करता है ना वो नुकसानदायक ही होता है। तो अगर आपको किसी को भी जॉन चेंज कराना है या शिफ्ट चेंज करानी है ना, अगर हम किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं ना, तो भाई अभी ध्यान से सुन लो, मैं बताने वाला हूँ कि आपको आपकी किस तरीके से आपकी शिफ्ट चेंज होती है, आपका जोन चेंज होता है। तो मैं कह रहा हूँ आप अपने फ़ोन से मत करो, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है। अगर आप किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं ना तो वहाँ पे जो भी स्विगी जोमेटो कर रहा है ना उनसे पूछ के स्विगी के या जोमेटो के ऑफिस जाके वहाँ से करवा लो, अपना जोन चेंज करवा लो, वो जल्दी हो जाएगा। अपने फ़ोन से करोगे वे टाइम लेते हैं। आप अपने फ़ोन से करोगे तो हफ्ता भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, ठीक है। वो कस्टमर केयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जोन पहले चेंज हुआ है या नहीं हुआ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। किसी का तो एक दिन में ही हो जाता है, किसी का 2 दिन, किसी का हफ्ता, किसी का महीना भी लग जाता है। रोगे किसी से भी आप पूछोगे ना, ठीक है, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो इससे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे और आपका काम करने का भी मन नहीं करेगा कि नहीं छोड़ यार मैं नहीं करूँगा। तो सबसे बेटर ये है कि आप ऑफिस जाके वहाँ पे अपना जोन चेंज करवाओ, और ये सबसे सही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाइस, अगर आपको स्विगी जोमेटो के बारे में कुछ भी पूछना है, ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी पूछना है, डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप मेरे पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। तो गाइस, मिलता हूँ मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।